अब हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो वो है मुकेश कुमार। ईशांत शर्मा ने मुकेश कुमार का नाम तो ले लिया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मुकेश कुमार क्या सच में भारत के लिए इतने बड़े गेंदबाज बन सकते हैं। ईशांत शर्मा ने इनका नाम लिया तो इसकी कोई वजह तो होगी, या तो उन्होंने इनका हालिया परफॉर्मेंस देखा होगा, या तो इनको डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा होगा। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि दोनों इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले भी हैं। मुकेश कुमार राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। मुकेश कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर इनका इस साल के आईपीएल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुकेश ने 10 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 46.57 के औसत से 10.52 के इकोनॉमी से 7 विकेट लिए हैं। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इसके साथ अब आप सारी अपडेट्स हमारे ऐप पर भी पा सकते हैं। बस जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया, ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वॉज योर फ्रेंड एरिका साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।